नमस्कार, मैं भगवती जमनाल सीएससी संवाद की एक नई कड़ी में आपके सामने पेश हूँ। सीएससी की इस कड़ी में हम हमेशा बात करते हैं सीएससी योजनाओं के बारे में। आज जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है कानूनी सलाह लेना कितना लंबा और महंगा प्रक्रिया मानी जाती है? वकीलों के चक्कर लगाना, उनके समय का वेट करना में कई लोगों का पैसा और समय बर्बाद होता है। छोटे गांव और कस्बों में ये परेशानी और तब बढ़ जाती है जब उन लोगों को सही कानूनी सलाह समय पर नहीं मिलती। कौन सा दस्तावेज चाहिए, कब चाहिए और किस बात के लिए किस कानून में या किस कोर्ट में जाना चाहिए, इस की कमी हमेशा रहती है। सीएससी ने इसी एक नई सर्विस का शुरुआत किया है जिसका नाम है टेली लॉ। और इसी सर्विस के बारे में आज हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है लय स्मृति। लय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। एक पहला सवाल जो मैं आपसे, पहला ही सवाल जो लोगों के दिमाग में भर के आता है कि टेली लॉ आखिर है क्या? सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ भगवती आपको। टेली लॉ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम, अगर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू या फिर उदाहरण के थ्रू बताऊँ तो हमारे देश में और हमारे गांव में स्पेशली काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक कानूनी सलाह नहीं मिल पाई है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वकीलों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास या फिर इंफॉर्मेशन नहीं होती है या फिर वो वकील अपने ले नहीं सकते क्योंकि वकीलों की चार्ज आपको पता है कितनी हाई होती है। तो हमने अपने कॉमन सर्विसेज सेंटर के थ्रू एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो कि हम डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो गांव के करीब जो गरीब तबके के लोग हैं और जो जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको हम टेली लॉ की सुविधा प्रदान करते हैं। इस सुविधा में क्या होता है कि हम जिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन जो वकीलों को नहीं अप्रोच कर पाते हैं, हम उनको वकीलों तक जो हमारा टेली लॉ है उनके थ्रू कनेक्ट कराते हैं। तो ये मॉडल ऐसा है कि जो हमारे पीएलवीज हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स जिन्हें हम बोलते हैं, हर एक एक सीएससी के साथ हमने एक पैरालीगल वॉलंटियर अटैच किया हुआ है। तो ये जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं ये गांव में जाकर लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि आपको हम एक वकील से सलाह मशवरा प्रदान करा सकते हैं, आपकी जो भी समस्याएँ होंगी आप अपने सीएससी सेंटर में आकर जो हमारे वकील हैं आप उनको बताइए और फिर आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जो हमारे गांव के लोग हैं, जिन जो गरीब तबके के लोग हैं, वो सीधे जो वकील हैं हमारे, जो अलग अलग नोडल्स पे बैठे हुए हैं, सीएससी ऑफिसर्स पे हैं, एसएलएसए के जो हमारे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकील हैं, उनके थ्रू ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जी, आपने बात करी कि ये पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो एक वीएलई से कनेक्ट होते हैं जी। तो मैं और मेरे दर्शक हमारे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर एक टेली लॉ सर्विस काम कैसे करती है और सीएससी और वीएलई इस योजना में क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे एक एक हर एक सीएससी में हमने एक पैरालीगल वॉलंटियर को हमने अपॉइंट किया है। तो ये पैरालीगल वॉलंटियर उस गांव में, उस पंचायत में घूमकर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि अगर आपके पास कोई भी समस्या है, आपको कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो आप सीएससी पे आइए, सीएससी पे आप अपना केस रजिस्टर कराइए और एक निश्चित तारीख पर आप जो हमारे पैनल लॉयर से इससे उनके थ्रू आप प्री लिटिगेशन एडवाइस आप ले सकते हैं। तो ये एक पूरा साइकिल है जिसमें सबसे पहला चरण हमारा पीएलवी का होता है जिसे हम फुट सोल्जर्स के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे हैं जो गांव में घूमकर लोगों को अवेयर कराते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। और अगर कोई भी समस्या गांव वाले की होती है किसी भी लीगल से रिलेटेड, किसी भी लीगल एडवाइस से रिलेटेड, तो वो उनको सीएससी में लेकर आते हैं, उनका केस रजिस्टर करवाते हैं और पैनल लॉयर के थ्रू कनेक्ट कराते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत बार ये होता है कि पंचायत काफ़ी दूर दूर है तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जो लिटिगेंट्स है वो सीएससी तक उस समय नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है, एक ऐप है, मोबाइल ऐप है जो हर एक
PLVs को हमने प्रोवाइड किया है, तो PLVs ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं केसेस का, वो एक लेवल तक केस रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जो दूसरा लेवल होता है वो VLE करता है, जिसमें वो उनको अपॉइंटमेंट डेट्स देता है अकॉर्डिंग, जो भी अपॉइंटमेंट डेट्स पैनल लॉयर हमारे दिखाते हैं एप्लीकेशन पे, उसके थ्रू वो केसेस रजिस्टर करते हैं और एक निर्धारित दिन पर जो हमारे लिटिगेंट्स हैं और या फिर हम जो गांव के लोग हैं जिनको सलाह चाहिए, वो CSC पे आते हैं और उनको पैनल लॉयर्स के थ्रू हम कनेक्ट कराते हैं और वो उनसे सलाह ले सकते हैं। स्मृति, आपने बताया कि PLVs और VLEs एक मिलजुल कर एक कानूनी सलाह का जो प्लेटफॉर्म है वो गांव वाले या गांव के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो क्योंकि CSC भारत के हर पंचायत में है, VLEs और CSCs की पहुंच भारत के हर कोने में पहुंच गई है, तो ऐसी स्थिति में टेली लॉ सर्विस क्या हर VLE दे रहा है, या आपने कुछ स्पेसिफिक VLEs मैप करी हैं, या ये भारत के हर राज्य में है, या कुछ ऐसा है कि सिर्फ अभी आपने इन्हीं राज्यों में शुरू करी है, बाकियों में योजना चलेंगी, तो थोड़ा इसके बारे में और बताइए। भगवती, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने 2017 में शुरू किया था। 2017 में हमने पायलट के रूप में कुछ राज्यों में शुरू किया था। कुछ राज्य थे जो NEJ के स्टेट्स हैं, हमने उनको लिया था। हमने जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको लिया था, यूपी बिहार लिया था। तो इनमें हमने 1800 CSCs में शुरू किया था। काफ़ी एक दो साल जब हमने इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया तो हमें काफ़ी सफलता मिली। तो अभी इस प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन हमें 28 स्टेट्स में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमने किया है। 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हम ये रोल आउट कर रहे हैं, जो कि हम 28060 CACs के थ्रू हम इसे रोल आउट कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास अराउंड 29,000 CACs हैं जहां पर हम ये प्रोजेक्ट रोल आउट कर रहे हैं, जो कि स्पेसिफिक डिमांड हैं, स्पेसिफिक CSCs में ही हम ये फिलहाल प्रोजेक्ट हम लोगों को सुविधा हमने प्रदान किया है। आने वाले वर्षों में हमारा ये प्लान है कि हम ये जो प्रोजेक्ट है सारे CSC जो हमारे देश में है, सारे CSC भले वो अर्बन हो और रूरल हो, सारे CSC को ये प्रदान की जाएगी। जी ले, हमने बात करी, चर्चा करी कि गांव वालों के लिए, इवन किसी के लिए भी कानूनी सलाह लेना या एक्सेस करना, वहां तक पहुंचना, सही कानूनी सलाह और वो भी समय पर लेना काफी महंगी प्रक्रिया होती है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं, जो हम अर्बन लोग हैं, वेल एजुकेटेड है, उसके बाद भी अगर हमें किसी सब्जेक्ट पे लॉयर चाहिए या उनसे काउंसलिंग चाहिए, सो इट कॉस्ट अलॉट, मुझे काफी फी उन्हें पे करनी पड़ती है। क्योंकि हम ये टारगेट कर रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पे मोस्टली हमारे जो लोग होंगे वो कस्बों में, छोटे गांव में रहते हैं, उनकी आय इतनी नहीं है, तो इस फी से एक पैनल लॉयर से बात करने के लिए, अपनी कोई भी सलाह लेने के लिए क्या फीस निर्धारित की गई है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। देखिए, ये जो हमारा टेली लॉ प्रोजेक्ट है, इस पे जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके उन्होंने कुछ सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। 9 सेक्शंस हैं लोगों के, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 18 साल की उम्र के कम के बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जिनके आय स्पेसिफिक, उनकी इनकम लेवल लो है, कुछ डिजास्टर से अफेक्टेड विक्टिम हैं, कुछ अलग अलग तब हैं इस कैटेगरी में। तो हम उन कैटेगरी के लोग अगर वो हमारे CSC पे आते हैं तो हम उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करते, उनके लिए ये जो प्रोजेक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो लोग इस कैटेगरी के बाहर हैं उनसे हम 30 रुपीज़ मात्र चार्ज करते हैं। वो CSC में आके CSC के जो VLE है उनको 30 रुपीज़ देकर ये सर्विस का जो फ़ायदा है ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं काफ़ी बहुत कम ही पैसे में हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़ें ताकि उनकी जो भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं, लीगल समस्याएं हैं, वो हमारे जो लॉयर्स हैं उनके साथ आकर अपनी समस्याओं का निदान करा सकते हैं। 30 रुपए में अगर आपको कानूनी सलाह मिल रही है तो ये बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का भी और CSC का भी, जिसे बिल्कुल ही एंड पॉइंट तक जो लोग जिन्हें एक्चुअली में जरूरत है किसी कानूनी सलाह की उन तक पहुंचा रहे हैं। स्मृति, ये बताइए कि
जब आप कानूनी सलाह लेने जाते हैं तब आप किसी परेशानी में होते हैं या आप अपनी बहुत ही निजी चीजें डिस्क्लोज करते हैं लॉयर्स के साथ, आप उन्हें घर का पारिवारिक झगड़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लॉयर और जो क्लाइंट प्रिविलेज होता है जो दोनों के बीच में इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, क्योंकि रियली ऑलरेडी एक ब्रिज का काम कर रहा है इसमें, तो आप इन्फॉर्मेशन की या क्लाइंट की या जो आवेदक है उसकी प्राइवेसी का कैसे ध्यान रखते हो? इसमें इस जो भी हमारे जो क्लाइंट हैं या फिर लिटिगेंट हैं जो सीएससी पे आते हैं, हम उनका जो डेटा है या फिर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका हम जो डिस्क्लोज़र है वो हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया बनाया है, उसमें जब हम उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब वीएलई रजिस्टर करता है तो हम उनसे एक नोटिफिकेशन लेते हैं कि आप जो भी जो हमारा लिटिगेंट सीएससी पे आता है आप उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे। ये इन्फॉर्मेशन पीएलवी को हमने भी दिया हुआ है जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं, जब वो सीएससी में जाते हैं या फिर जब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो किसी का भी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी इसके इस जैसे जो आपने पूछा। इनिशियली जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो काफ़ी सारे वीएलईज ने और पीएलवीज ने ये हमें बताया था कि जब भी वो फील्ड पे जाते हैं तो लोग चूँकि ये जो लीगल एडवाइस है काफ़ी उनको मुश्किल होता है कि आप जैसे अगर मैं किसी चीज़ का लीगल एडवाइस किसी से लेने जाऊं, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर अगर घर में किसी के डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो किसी और घर में इस किसी और से इस बात की चर्चा नहीं करना चाहते। तो जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, जो हमारे पीएलवीज हैं, उन्होंने इनिशियली जो लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किसी और तक हम नहीं पहुंचाएंगे। तो काफ़ी जब उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, लोगों से बातचीत करनी शुरू की, लोगों ने उन पर भरोसा किया तो वो भरोसा उनका उन पर बनता गया और इस भरोसे पे उन्होंने केस रजिस्टर करना शुरू किया। जब एक दो केसेस में हुआ कि जो हमारे लिटिगेंट्स हैं वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे तो उन्होंने फिर बाकी लोगों को बताना शुरू किया कि नहीं, जो मेरी जो समस्या थी वो किसी और के साथ शेयर नहीं की गई। तो ये एक बॉन्ड बनता गया लोगों के बीच में, तो हमने इस तरह वो बॉन्ड डेवलप किया और जो भी हमारे पास जो केसेस आते हैं हम किसी से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ये हमारा एक पहलू है। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछती हूँ कि कोई आवेदक सीएससी तक पहुँचा है, उसे किसी समस्या पे कानूनी सलाह चाहिए, तो किन किन दस्तावेजों को वो लेकर आए या किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी लॉयर के साथ कंसल्टेशन के लिए? अगर आप दस्तावेज़ों की बात करें तो हम लोग जो उनकी भारत सरकार ने जो उनको आईडी दी गई है, वोटर कार्ड दी गई है या फिर आधार कार्ड उनको दी गई है, तो इन ये सब दस्तावेज को लेकर सीएससी में आ सकते हैं। और अगर आप जो 9 कैटेगरीज मैंने बताई हैं उनका अगर दस्तावेज़ देखें तो उनमें काफ़ी लोग हैं जो लो इनकम के लोग हैं, तो वो अपने लो इनकम का कुछ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर कुछ कुछ केसेस में हम सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उनका सेल्फ डिक्लेरेशन हम उनसे कलेक्ट करते हैं। तो बेसिक जो आपके पास जो भारत सरकार ने मुहैया कराई है जो डॉक्यूमेंट्स, हम उन्हीं से डॉक्यूमेंट्स उनका कलेक्ट करते हैं। ले आपने बोला कि सर्विस को भारत में पूरे चलाते हुए आपने एक छोटा पायलट से शुरू किया था, नाउ इट्स इन द 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो काफी चैलेंजेस आपने देखे होंगे, यू हैव स्टार्टेड विद वन, तो क्या चैलेंजेस आपने टेली लॉ में देखे एग्जीक्यूट करते हुए? क्योंकि आई एम श्योर इट्स नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट, किसी को कन्विंस करना कि आप अपनी निजी बात किसी थर्ड पर्सन को बताओ जिन्हें आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि इंडिया में अभी भी डॉक्टर्स हमने आप जब तक लुक एंड फील वाली चीज नहीं आती है, सो यू आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल थिंग्स टू समबडी हु इज नॉट इवन देयर, सो एक फोन पे आप अपनी निजी चीज बता रहे हो, तो आई एम श्योर कि इट माइट बी अ वेरी चैलेंजिंग वे। आप कहाँ से अभी इतना शुरुआत करके आप आज यहाँ पहुंचे हो, तो थोड़ी जर्नी के बारे में मुझे बताएं, क्या चैलेंजेस आपको मिले, क्या सोचा है आपने भविष्य के बारे में टेली लॉ के? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था 2017 में तो काफ़ी
काफ़ी चैलेंजेस आई थी, क्योंकि अभी भी भारत में लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मेथड है उस पर भरोसा नहीं करते हैं। वो उनको लगता है कि नहीं, अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसी से बात करूं, पता नहीं सामने वाला कौन है, मेरी इन्फॉर्मेशन वो लेगा और पता नहीं किसी और से शेयर कर देगा। तो जब हमने शुरू किया तो हमारे साथ भी ऐसा ही चैलेंज था, बट जब लोग धीरे धीरे हमारे सीएससी सेंटर पे आने लगे, जब उन्होंने एक दो लोगों ने जब जो हमारे वकील है उनसे बात की, तो हमारे वकीलों ने काफ़ी सरल भाषा में उनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया। उनको बताया कि किस तरह जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप 3-4 कदम आप किस तरह ले सकते हो, आपको इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं, तो काफ़ी सीएससीज़ में हमने ये पाया था कि महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इशू था। तो जब महिलाएं आईं तो सबसे पहले था कि महिलाएं जब आईं तो वो कंफर्टेबल नहीं थी किसी के साथ बात करने में। तो हमने ये प्रोविज़न डाला कि हमारे पास वुमेन पैनल लॉयर्स आएँ। तो जब वुमेन पैनल लॉयर्स हमारे पास आईं तो वो उनसे खुल के अपने इशू के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तो जब उनको इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन हुई कि जो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्याएं हैं, जो सामने वाला जो पैनल लॉयर है वो समझ रहा है, तो उन्होंने तो वहाँ पर उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल उनको बिल्ड हुआ और हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस कार्यक्रम के दौरान। और उसके बाद क्या हुआ कि गांव में क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ से लोग एक दूसरे को फिर बताने लगे कि मैं उस सीएससी में गया था, मैंने वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों से, वहां पर वकील साहब हैं उनसे बात की। तो ये धीरे धीरे लोगों ने इसे पहचानना शुरू किया और लोगों ने काफ़ी अहमियत दी इस प्रोजेक्ट को, और इस तरह हम लोगों ने अपने आप को विस्तार किया है। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर जैसे वहाँ पर पुलिस का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ, एफआईआर उन्होंने कराया, तो जैसे ही उनको पता चला कि नहीं, इनको जो पैनल लॉयर है उन्होंने ये सलाह दी, तो तुरंत उन्होंने एफआईआर अपने पुलिस स्टेशन में कराया और तुरंत काफ़ी महीनों के बाद उनका जो केस है रिजॉल्व हुआ। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और मैं भी ये मानती हूँ कि इतनी जल्दी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रीच आउट कर सकें कि लोग इसके बारे में जानें। जब भारत सरकार ने ऐसा प्रोविज़न करा है कि उनके डोर स्टेप में एक वकील उनके पास आकर उनसे उनके समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको सलाह मशवरा दे रहे हैं, तो लोग अभी अवेयर हो रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, बट हमने काफ़ी हद तक अचीवमेंट अपने प्रोजेक्ट में ली है। तो अभी तक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमने अभी तक 1.5 लाख केसेस रजिस्टर कर लिया है जो हमारे 29,000 सीएससीज हैं उनके थ्रू, और 1.4 लाख केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं जो हमारे पैनल लॉयर्स ने, जो हमारे अलग अलग बेल्ट्स में बैठते हैं, तो उनके थ्रू हमने ये जो हमारा टारगेट से हमने अचीव किया है। प्लस हमने इस बात का भी ध्यान में रखा है कि जो पैनल लॉयर्स हों वो लोकल भाषा बोले, क्योंकि गांव के लोग ऐसा होता है कि वो जब तक लोकल भाषा में उनसे बातचीत ना करे तो उनको नहीं लगता है कि हमने कुछ सुना है। तो हमने ये भी मुहैया कराया है कि जो पैनल लॉयर्स हैं वो हर एक स्टेट में हमारे अवेलेबल हों। तो हमारे हर एक स्टेट में अभी पैनल लॉयर्स अवेलेबल हैं। जैसे आप केरला में जाएँ तो वहाँ पर एक मलयाली पैनल लॉयर है, जम्मू एंड कश्मीर में जाएँ तो वहाँ डोंगरी बोलने वाले हमारे पैनल लॉयर अवेलेबल हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएं तो बंगला बोलने वाले पैनल लॉयर अवेलेबल हैं। तो इस तरह हमने डिमार्केशन की है और लोग उनसे जुड़े अभी भी जुड़े हुए हैं और हमारे केसेस अभी उनसे के थ्रू रिजॉल्व हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ कही कि कोशिश जारी है, यही कोशिश हम सीएससी में हर सर्विस के साथ करते हैं। हम कोशिश करते हैं, यहाँ सीएससी संवाद में हमारी कोशिश रहती है कि हम जो सर्विसेज कर रहे हैं और जो सीएससी ऑफिसर्स उन सर्विस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, वो आए हमारे साथ और उस चर्चे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात करें। धन्यवाद लय, आप हमारे साथ आई, आपने हमें टेली लॉ के बारे में बताया। इतनी अच्छी सर्विस ग्राउंड में चल रही है, वो भी 30 रुपीज में आप एक पैनल लॉयर, अपने एक लॉयर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी कानूनी समस्या का निदान पा सकते हैं। थैंक यू लय, आप आई हमारे साथ।
इस उम्मीद के साथ कि सीएससी संवाद की नई कड़ी में आपसे फिर जुड़ेंगे, इस कोशिश में कि कोशिश जारी है हम एक नई कोशिश के साथ कि ग्राउंड लेवल तक उन लोगों को डिजिटल भारत के बारे में बताएं, जो भारत सरकार की जो सुविधाएं हैं उन तक पहुंचे, और ना सिर्फ उन्हें पहुंचाएं बल्कि बताएं कि ऐसी सर्विस उनके आसपास के सीएससी सेंटर में पहले से चल रही हैं, वो जाके अपने नियरेस्ट सीएससी पॉइंट में जाएं और इन सर्विसेज का लाभ उठाएं। इस उम्मीद के साथ कि हम सीएससी संवाद में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।